हो गई है शाम और पूरी इतनी तेज धूप होती है ना कि यहाँ कर्टन लगाना पड़ता है, और ये अभी जाके धूप गई है तो मैं कर्टन हटा दी हूँ, और इधर भी लगा हुआ है, ये देखियो रूम पूरा अंधेरा हो जाता है इधर लगाई है, इधर कहाँ हटा दी हूँ। बहुत तेज धूप आती है यार, पूरे घर में इतनी तेज धूप आती है ना कि कर्टन ना लगाओ ना तो बस गर्मी में। और अभी जो मैं आप लोग से मिल रही हूँ, टाइम हो रहा है दिख भी नहीं रहा है 6:30 तो अभी जाके धूप अभी भी गई नहीं है, अभी भी है बट मैं कर्टन हटा दी हूँ, ये देखो अभी भी है ही बट मैं कर्टन हटा दी हूँ, बहुत कम हो गई है वैसे अभी तो। चलिए पापा को मैं नाश्ता दे दी थी, अभी मुझे देना है पापा को पानी, उसके बाद पियेंगे हम लोग चाय। तो आज मैं लेट हो गई चाय बनाने में, रणी भी चली गई है बर्तन ये सब धो के। तो धूप इतनी तेज होती है ना कि पूरे आफ्टरनून में कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है यार। तो हम लोग खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करे हैं, और रेस्ट तो अच्छा हो जाता है क्योंकि मम्मी सब कुछ कर देती है तो मुझे अभी कुछ करना होता नहीं है, तो रेस्ट करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। तो कैसे है मेरे YouTube फैमिली मेंबर आप सभी, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो धूप जाने का नाम नहीं देता है, अभी तो अभी बढ़ेगी, कितना अच्छा सुनहरा मौसम लग रहा है ये देखो। हो रहा है और अभी तक इतनी तेज धूप रहती है, अभी जाके थोड़े से भगवान जी नीचे उतर गए हैं सीढ़ी से तो कहाँ गई मम्मी, आ जाओ आ जाओ। और मम्मी साड़ी पहन दी नहीं है तो मैं बोल रही हूँ मम्मी साड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो पहनो ना पहनो ना। तो ये मम्मी छुपके से जा रही है तो चलिए मुझे कुछ कुछ रिक्वेस्ट आया था, पहले मैं चाय डाल देती हूँ, उसका रिक्वेस्ट कंप्लीट करूंगी, कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद चाय डालूंगी। तो आ गया आप लोगों के रिक्वेस्टिंग पार्ट का बारी, तो आप लोग का रिक्वेस्ट जैसे ही मैं हमेशा बकबक सीरीज में कंप्लीट करती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ की टक्कर रिक्वेस्ट तो हमेशा ही रहता है जो मैं टक कर चुकी हूँ, और ये है कीवंस टकिंग का रिक्वेस्ट जो काफ़ी दिनों से आ रहा था और मैं डाल नहीं पा रही थी। एक्चुअली ना मेरा बकबक सीरीज अभी आ नहीं रहा था इसलिए मैं रिक्वेस्ट अब कम्प्लीट नहीं कर पा रही थी, तो मैं यहाँ की टक भी कर दी हूँ और कीवंस भी टक कर दी हूँ, ये देखिए। और एक सिल्वर कीवंस टकिंग का रिक्वेस्ट है जो बहुत दिनों से है, वो मैं कम्प्लीट नहीं कर रही हूँ, सॉरी यार, मैं कर दूंगी नेक्स्ट किसी बकबक सीरीज में। और ये साड़ी भी मैं, ये साड़ी इस ब्लाउज के साथ आज मैं रिक्वेस्ट पे पहनी हूँ, वो भी 6 मंथ पेंडिंग रिक्वेस्ट था जो मैं आज कंप्लीट करी हूँ। 6 मंथ से मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया होगा जो मैं आज कंप्लीट करी हूँ। तो इस साड़ी को इस ब्लाउज के साथ स्पेशल जो ये ब्लाउज है ना, इस रिक्वेस्ट के लिए मैं बनवाई ये ब्लाउज, ये देखिए, और काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ ना मैं ससुराल में ही शेयर करी थी कि मैं एक रिक्वेस्ट पे ब्लाउज बनाई हूँ, तो ये वही ब्लाउज है, इस ब्लाउज और इस साड़ी के साथ मैं ये रिक्वेस्ट कम्प्लीट करी हूँ। चलिए 6 मंथ पेंडिंग रिक्वेस्ट आज मैं कंप्लीट करी, तो काफी अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ ही बस। चलिए अब काम वाम कर लो, उसके बाद फिर बातें करूंगी। चाय बनेगी और मिल्क बॉइल्ड होगा, फिर बनेगी नींबू पानी। तो मैं और पापा चाय पियूंगी, बाकी दोनों नींबू पानी, पतिदेव और मम्मी नींबू पानी पिएगी। तो मम्मी मम्मी और उनके लिए मैं नींबू पानी बनाऊंगी और दोनों के लिए चाय बनाऊंगी, तो मिल्क भी बॉइल्ड ही कर देती हूँ साथ। तो लंच करने के बाद जो मैं किचन क्लीन करी हूँ ना, उसके बाद मैं अभी आई हूँ किचन में, तो पूरा क्लीन करके रख दी थी और ये अभी स्टैंड अभी लगाती हूँ। नहीं गर्मी हो रही है ना कि गर्मी के कारण ना, मतलब जो बेड है ना बेड भी गर्म हो जाता है, मम्मी बोल रही है बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाता है, रूम तो गर्म होता ही होता है साथ में बेड भी गर्म हो जाता है। तो शाम हो गई है और कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहीं कहीं का लाइट ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्रिज में से कुछ निकालना है। बढ़ेगा तो मैं मिल्क को बॉइल कर देती हूँ।
जा रही हूँ और ये पापा के लिए लेके जा रही हूँ। तो पापा को तो मैं दे आई हूँ चाय, अब बनेगी नींबू पानी। तो नींबू पानी बनाने के लिए मैं ये फैंसी नींबू लेके आ गई हूँ। ये देखी मैं कम से इसमें रखती हूँ, और इसलिए मैं ऐसे स्टोर करती हूँ ना तो बहुत कम खराब होता है, इसलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ इसको फ्रिज में। चलिए बना लेते हैं। तो मैं आइस भी निकाल के आई हूँ और पानी भी, ठंडे ठंडे पानी में नींबू पानी पीने में मजा आएगा। एक्चुअली लेमन वाटर ना आफ्टरनून में पीती हूँ, बट आज लेट हो गई। कोई नहीं, अभी ही पी लूंगी। इसमें जाएगा लेमन। और मैं कैसा काम करी पता है, यहाँ मिल्क है और यहाँ में ये लेमन। थोड़ा सा भी लेमन का गया ना मिल्क में तो मिल्क गया, फट जाएगा पूरा। तो आप लोग मुझे जो भी मेरे चैनल पे नहीं हो, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में मैं जितना वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जाता रहे। और लाइक शेयर तो बनता है यार, तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चाय तो चाय होती है, चाय के सामने नींबू पानी का कोई बात नहीं, चाय तो चाय होती है। मम्मी मैंने ना चाय बिल्कुल ही नहीं पीती है, बस मॉर्निंग में एक कप पीती है, और शाम में बहुत मैं जिद करती हूँ ना मम्मी एक कप पी लो कम से कम, तो शाम में एक कप, बाकी एकदम नहीं पीती है मम्मी चाय में, और पापा सिर्फ चाय चाय। अभी नींबू पानी पी रही है तो चाय के सामने नींबू पानी कोई वो नहीं। तो यहाँ टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की जो मूवी है ना वो दे रहा था, और मैं चाय भी पी रही थी और मूवी भी देख रही थी, और बहुत अच्छी मूवी है, मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ और अभी भी जब भी देता है ना देखने लगती हूँ। तो यहाँ चाय के साथ मूवी भी इंजॉय करी थी और चाय भी इंजॉय करी थी। तो पापा भी पी रहे थे चाय, और मम्मी तो अपना लेमन वाटर पी रही थी, और हम दोनों चाय पी रहे थे। तो इसके बाद कुछ देर बाद आप लोग से मिलती हूँ मैं। मम्मी क्या काट के रखी हुई है, अभी हम दोनों खाएंगे ग्वावा। ये हम दोनों का फेवरेट है, मैं तो पहले ही बताई कि मुझे ग्वावा मैंगो ये सब बहुत अच्छा लगता है, और मम्मी को भी ना ग्वावा बहुत अच्छा लगता है। तो अभी काट के रखी, अभी हम खाएंगे ये ग्वावा। मम्मी इस पे डाल रही है ब्लैक सॉल्ट, ये देखिए कितना टेस्टी लगता है। डाल दिए ये ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा जाएगा इसमें चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर होता है ना, ये देखिए बहुत, देखिए मम्मी ये भी डाल दिए, इतना टेस्टी लगता है ना। इसको हम खाएंगे, तो मम्मी ने तो मैं सब खत्म कर दूंगी। मम्मी जब तक काम कर रही है तब तक ये मैं शट कर जाऊंगी, मम्मी शट कर दूंगी मैं। बोल दिया मम्मी कर दो। तो मैं मम्मी को बोली मैं ग्वावा सब खत्म कर दूंगी वरना आ जाओ तुम, तो बोलती हाँ कर दो कर दो। क्योंकि मम्मी लोग का ना जो बच्चे खाते हैं ना तो उससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती है, इसलिए मम्मी बोलती है खा लो बट हम दोनों खाएंगे, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अगर हम दोनों को छोड़ दिया जाए ना तो हम दोनों एक दूसरे को पूछेंगे नहीं और खा जाएंगे। तो ये देखिए किस किस को खाना है ग्वावा, आ जाओ यहाँ। मेरा स्किन काफी ग्रो कर रहा है यार, थोड़ा सा स्किन केयर कर दो ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, ये देखो। और इधर का नजारा कभी तो दिखा दिया करो। और इधर मैं ये रोप डाल दी हूँ, अभी मम्मी लोग आई है ना तो कुछ कपड़े ज्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि ना आजकल बहुत तेज धूप होती है, और धूप में मैं डे टाइम में कपड़ा बिल्कुल ही बाहर नहीं डाल रही हूँ, नाइट में ही डाल रही हूँ, ड्राई हो जाता है, जब तक हम खाना बनाते हैं तब तक ड्राई हो जाता है। अभी मैं डालूंगी, और यहाँ मैं रोप लगा चुकी हूँ, इसको रात में लगाती हूँ और डे टाइम में हटा देती हूँ। काफी दिनों बाद आप लोगों को ये नज़ारा दिखने को मिल रहा है, और मैं बाहर से भी दिखा दूँ। सच में यार ये नज़ारा तो मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत ही पसंद है ये नज़ारा। तो यही बैठ के हम खाएंगे, नहीं तो बालकनी में भी खा सकते हैं, मम्मी को पूछ लेते हैं कहाँ खाएगी, बट यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार। मम्मी कहाँ खाओगी, टेबल पे कि बालकनी में? तो मम्मी बना रही है सब्जी।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। और ये जो मम्मी चीनी का पाउडर डाली है ना, इसके साथ और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा। और ये ब्लाउज ना बहुत अच्छा स्टिच किया है ना, बहुत ही अच्छा। ये देखो नमी फिट है, पहनने भी बहुत अच्छा। जो मैं टेलर को कुछ बताई भी नहीं थी, जो नाप दी थी ना, जो मतलब स्टिचिंग की नाप दी थी, एकदम परफेक्ट वैसा ही बनाया है ये। काफी अच्छा लग रहा है। मम्मी ये तुम्हारा ही है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, और हो गया है इवनिंग का, जो भी कुछ खाना पीना था वो सब खत्म हो चुका है। अभी डिनर कुछ देर बाद बनेगा, तो आज डिनर बनेगा आलू पराठा, और पापा के लिए रोटी बनेगा। पापा पराठा ये सब खाते नहीं ज़्यादा, तो पापा के लिए रोटी बनेगा। तो मैं ये आलू बॉयल होने के लिए यहाँ डाल दी हूँ। जब तक पोटैटो बॉयल होगा तब तक मुझे थोड़ा सा बाहर का काम है, कुछ कुछ ख़त्म हो गया है। तो हम दोनों जाएंगे अभी और देखे जाएंगे। अभी अभी कुकर मेरे को देख के सीटी बजाया है। तो हम दोनों ऐसे है ना कि कोक हमें कहीं भी मिल जाएगा, बट हम जाएंगे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे दूर। एलेक्सा ये लगा दीजिए ना, प्ले सम पार्टी सॉन्ग्स। तो ये हम लेके आए हैं मीट बॉल, और बहुत दिनों बाद में ये मीट बॉल लेके आई हूँ। काफी टेस्टी लगता है। और ये देखिए चिकन नगेट्स, हम घर गए ना तभी हम दिए थे, और ये खराब हो चुका है। तो अभी होगी हमारी। तो आलू पराठा बनाने के लिए मैं कुछ आलू ले ली हूँ, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जाएगा इसमें गर्म मसाला। ये देखिए इतना सा गर्म मसाला, अपने हिसाब से डाल दो ये सब। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, और इसमें ना मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है, बस इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए ये हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई धनिया का पत्ता, अदरक का टुकड़ा, और ये मिर्ची काट के रख रही हूँ इस तरह से, और एक प्याज को मैं इस तरह से काटती हूँ। और इसको इसे मैं अभी मसाले वाली बना रही हूँ, आलू पराठा जो बना रही हूँ मसाले वाली आलू पराठा बना रही हूँ। और हस्बैंड के लिए मैं प्लेन बनाती हूँ, तो ये सबको मैं इसमें डाल दूँगी। तो हस्बैंड के लिए मैं निकाल रही हूँ पहले ही, और ये मैं बना रही हूँ मैं अपने मम्मी के लिए और मैं खुद के लिए, क्योंकि हमें मसाले वाली ना आलू पराठा बहुत अच्छी लगती है। तो इस सबको मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी इस तरह से, और हाथ से मैश करो तो बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हो। तो इस तरह से मिला के मैं रख दूंगी, ये देखिए कुछ देर से छोड़ दूंगी। अब मैं इसे फिल कर दूंगी आटे में। आप लोग में किस किस को आलू पराठा अच्छा लगता है खाने, आ जाओ। बहुत यम्मी आलू पराठा बन रहा है यहाँ, इसलिए खाने आ जाओ। ये भी तो मैं बोल रही हूँ खाओगे तब पता चलेगा कितना यम्मी है। और ये देखो इतना बड़ा बड़ा ये बना के डाल रही हूँ मैं, बट मेरे आलू पराठे जो है ना फटते नहीं है, बहुत अच्छे से पकता है। तो ये बन गया सब। तो यहाँ ये जो ओह माय गॉड, और ये दो है प्लेन आलू पराठा, और ये मसाले वाले आलू पराठा, और ये छोटा सा है शिवांश के लिए। शिवांश खाने आ जाओ छोटा सा, सबसे ये बच गया ना उसका मैं बना दी। चलिए अब बेल लेते हैं, और ये इतना बच ही गया, वैसे भी खाने बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बचा के रख दी।
इस तरह का जो मसाले वाले चोखा होता है ना, ये खाने बहुत टेस्टी होते हैं। इसे मैं इतना सा बचा के रख लेती हूँ, ऊपर से खाऊंगी। चलिए बना लेते हैं हम। कि मेरा जो आलू पराठा है ना, ये कहीं से फटता नहीं है। तो आप जब भी बेलो ना आलू पराठा को, या तो घी लगा दो या बर्तन लगा दो, ये फटेगा नहीं। तो मैं घी लगा के ही बेलती भी हूँ और सेकती भी हूँ। ये देखिए मैं सेक रही हूँ आलू पराठा, और इसे आप रिफाइंड में भी सेक सकते हो, बट मैं घी का ही यूज़ करती हूँ जब भी सेकती हूँ आलू पराठा। तब चटनी बहुत अच्छी बनी है। आलू पराठा का तो जवाब नहीं, खुद खाती हूँ खुद बड़ाई करती हूँ। अपने मुंह मियां मिठू, यही होता है ना। मुझे बहुत अच्छा पराठा बना है। बहुत तीखी चटनी बनी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। धुआंधार निकलती है जो बोली, कहां से निकल रहा है। तो हो गया है हमारा डिनर, और मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी। ये देखिए मैं अमेजोन से परचेज करी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अमेजोन से ये परचेज करी हूँ, तो मैं ना लोकल मार्केट से ही ले देती थी। ये है एक टेबल क्लॉथ जो प्लास्टिक का आता है ना, वो नहीं तो लोकल मार्केट में मिल जाता है यार, इजली मिल जाता है। बट मैं अमेजोन से फर्स्ट टाइम ये परचेज करी हूँ। देखिए कितना अच्छा है ना, कलरफुल। मुझे कलरफुल चाहिए था इसलिए मैं ये बोलते हैं अमेजोन से परचेज करी हूँ। वैसे भी लोकल मार्केट तो अभी जा नहीं पाती हूँ, बट काफ़ी लंबा चौड़ाया है यार। ये देखो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।